हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डूबती भिवंडी। भिवंडी के कई निचले इलाके और कई इलाकों में भारी जल जमा होने के कारण नागरिकों को आने जाने में हो रही है तकलीफ। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन जिस तरह से ये हवाला देता था कि भिवंडी शहर की नाला सफाई जो है बड़ी तेजी से और साफ सुथरे तरीके से की गई, लेकिन हम आपको बता दें कि इस बरसात ने नाले सफाई की भी पोल खुलते हुए दिखाई दी। जहां पर हम आपको भिवंडी शहर के विभिन्न इलाकों का दृश्य दर्शा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़क जो है एक तालाब जैसे मंजर में तब्दील हो चुका है, तो वहीं पर कई घरों में पानी घुसने से लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है। विशेष तौर पर भिवंडी शहर के कई इलाके जो जल जमा हो चुके हैं वहां का हम आपको दृश्य दर्शा रहे हैं। लगातार भारी वर्षा के कारण हम आपको बता दें कि ये सारा मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है, पिछले 3 दिनों तक इसी तरह बरसात रहेगी। और हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि भिवंडी शहर जो कि कई बार हर वर्ष जो बरसात में इसी तरह का मंजर भिवंडी शहर के वासियों को देखने को मिलता था और बाढ़ की समस्या उठानी पड़ती है। ऐसे में भिवंडी शहर का हम आपको बता दें कि एक में वो मशहूर मार्केट तीनबत्ती, शिवाजी चौक, नजराना, विशेष तौर पर भिवंडी शहर के ईदगाह और साथ ही साथ सेलार, खंडूपाड़ा जैसे कई इलाकों में भारी वर्षा होने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल जमा हो चुका है। लोगों का आवक जावक पूरी तरह से ठप हो चुकी है। शिवाजी चौक पर भी एक खौफनाक मंजर वहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कमर के ऊपर तक की वहाँ पर पानी है। ऐसे में मौसम विभाग ने पिछले 3 दिनों तक की हाई अलर्ट जारी किया है।